हेलो। हेलो मामा, मैं अभी बोल रहा हूँ। अभी मैं नानावटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त है अनिल, वो बहुत सीरियस है। मामा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप अभी आ सकते हो प्लीज? डोंट वरी, अभी मैं अभी आ रही हूँ वहां। तुम वहीं रुको। हाँ शोर मत मचाइए, पेशेंट सीरियस है। मगर इसे हुआ क्या? ओवरडोज ऑफ ड्रग्स की वजह से इसका हार्ट सिंक कर रहा है। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। कभी तुमने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं किया। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, एकदम अकेला छोड़ दिया, इसलिए उसने ड्रग्स का सहारा लिया। देखो, डाइवोर्स के वक्त मैंने पहले ही कह दिया था कि अनिल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ है? तुम कभी यहाँ जाती हो, कभी वहां जाती हो। मैं अपनी नई बुक के लिए जाती हूँ। और मुझे भी अपने बिजनेस के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। बिजनेस जरूरी है या बेटा? और बुक की पब्लिशिंग ज्यादा जरूरी है या बच्चे की जिंदगी? प्लीज प्लीज, आप झगड़ा करने आए हैं? आपके बेटे की जिंदगी खतरे में है, उसे बचाइए प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आऊँ। 6 महीने में क्या हाल हो गया तेरा? I'm sorry मेरे बेटे, अपनी माँ को माफ कर देना। तक उसके पेरेंट्स साथ थे, अनिल बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। ब्रिलियंट, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट था। लेकिन जब से उनका डिवोर्स हुआ है, ही इज एब्सोल्युटली शैटर्ड। जब भी मिलता है कहता है, यार आई कांट डिसाइड, मामा के साथ रहूं या पापा के साथ। I love both of them. अब तो बहुत ही चुप चुप सा रहने लगा है, क्लास से भी एब्सेंट रहता है। सुना है वो ड्रग्स लेने लगा है। अब जब भी मिलता है मुझे अवॉइड करने की कोशिश करता है। हाया देख के निकल जाता। मुझे डर लगता है कि वो पहले सुना है कि वो ड्रग्स लेने लगा। जब मिलता है तो भी अवॉइड करने की कोशिश करता है। कहता है हाया भी बस। अब तो कि वो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रह रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चाय वाय ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। रवि, मैं पहले भी ये सब इसलिए नहीं करती थी क्योंकि यहाँ इस छत के नीचे आपके साथ। हाँ, तब तुम मेरी बीवी थी ना। तो अब भी हूँ,
वो तो हो, लेकिन सोनिया अब ये रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता रहेगा। यहां से अपनी खुशी से नहीं जाएंगे। शायद आपको लगता होगा कि ये सब बहुत आसान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घर छोड़ना, बच्चों से दूर रहना, ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं। और कल मैंने अभी के दोस्त का हाल देखा, सोचा कि बच्चों को माँ बाप दोनों का साथ चाहिए होता है। हाँ, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो उस बात को समझते नहीं। रवि, क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं इस घर में रहकर वो सब कर सकूं जो घर से बाहर रहकर करना चाहती? सोनिया, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इसी घर में रहो, बिल्कुल वही करो जो तुम चाहती हो। और इस वक्त तुम्हें इस तरह देखकर मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम यही रहो, जो करना चाहती हो करो, लेकिन मैं जानता हूं कि कल को वही होगा जो आज तक होता आया है। सोनिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, मैं खुद तुम्हें दूंगा। देखो, मेरा बिजनेस अब दोबारा शुरू हो रहा है, 2-3 महीनों के अंदर सब ठीक हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसा हुआ करता था। लेकिन प्लीज, तुम अपने दिमाग से ये काम का फितूर निकाल दो। क्या सोच रही हो? आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह, पर शायद हम लोग इकट्ठे एक जगह ठीक नहीं है। हाय इंदु, अरे ये कैसे हो गया? कितना खून बह रहा है। तुम्हारा फर्स्ट एड किट कहाँ है? वो बाहर। तुम भी इंदु पता नहीं क्या करती रहती हो, फिर कुछ सोच रही होगी। इतना बड़ा कट लगा लिया, इतना खून है। रवि, मैं जानता हूं मैं यहां तुम्हारे ऑफिस में वेलकम नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है राज, बस आई एम अ लिटिल प्रीऑक्यूपाइड विद माय वर्क। बैठो। नो थैंक्स, मैं यहां बैठने नहीं आया हूं।
As you wish. रवि, रवि मेरी बात को ध्यान से सुनो। रवि, इंदु तुमसे प्यार करती है, सिर्फ तुमसे। अच्छा, अब ये बातें मुझे दूसरों से सुननी पड़ेंगी? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा रवि? क्यों, क्यों इस तरह ट्रीट कर रहे हो इंदु को? हाँ, क्यों? बड़ी फिक्र है तुम्हें इंदु की। तुम्हें क्या हो गया रवि? रवि, इंदु को किसी ने तुम पर थोपा नहीं है। तुमने बाकायदा कोर्टशिप करके उससे शादी की है। तुम उससे प्यार करते थे, और अब अचानक ये तुम्हें क्या हो गया रवि? हाँ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं राज। रवि, रवि 25 साल इंदु ने अपनी जिंदगी के 25 साल दिए हैं तुम्हें। 25 साल दिए हैं यार। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मैंने भी इस शादी को 25 साल ही दिए हैं, सिर्फ सोनिया ने नहीं। फिर तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सच्चा प्यार इन दिनों कितनी मुश्किल से मिलता है। तुम उसे इस तरह खो देना चाहते हो? कोई अपनी बीवी को इस तरह ट्रीट करता है क्या? इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है राज, बड़ी बारीकी से हर पहलू को तोला है मैंने, समझने की कोशिश की है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि 25 सालों के बाद, 25 साल राज, जिस औरत के साथ आपने अपनी आधी जिंदगी बिता दी, वो और आप शुरू से कंपैटिबल ही नहीं थे, तो कितनी तकलीफ होती है अंदाजा लगा सकते हो? आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था ये जानना कि जिस जिंदगी को मैंने अपनी मुट्ठी में 25 सालों तक यूं बंद करके सहेज रखा है, वो जिंदगी अचानक आपकी उंगलियों के बीच में से फिसल कर बिखर गई है। सोनिया ने और मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह खींची, एक दूसरे के साथ हमने एडजस्टमेंट्स किए, अपने अपने फॉल्ट्स को मानकर हमने टोटलिटी को एक्सेप्ट किया राज। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारे आने से वो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप इन फ्लेम्स राज। बिलीव यू मी राज, मुझे लगता है कि शायद सोनिया मेरे साथ अब खुश नहीं रह सकती। मैंने बड़ी कोशिश की, शायद 100% फॉल्ट मुझ में था। अब तो शायद तुम जैसा आदमी ही उसे खुश रख सकता है। ओनली समबडी लाइक यू कैन मेक हर हैप्पी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा इंदु के साथ अफेयर है? नो राज, मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो मैं देख रहा हूं वही कह रहा हूं। आई एम मियरली स्टेटिंग एन ऑब्जर्वेशन। तो ये है तुम्हारा प्रॉब्लम? क्या सोचा है तुमने मुझे? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? I am absolutely disgusted. Disgusted? You are disgusted? Disgusted तो मुझे होना चाहिए था। अपने दोस्त के बसे बसाए घर को उजाड़ के रख दिया तुमने, और ऊपर से ऑडेसिटी है कि मुझे आके समझा रहे हो तुम। बस रवि, बस। I've had enough for the day. मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझ पर शक किया। कौन हूं मैं तुम्हारा? एक दोस्त? पर इंदु पर शक करना, उस औरत पर शक करना जिसने जिंदगी भर तुम्हें अनकंडीशनली प्यार किया, तुम्हें अपना दोस्त, अपना मेंटर न जाने क्या क्या मानती रही, उस पर शक करते हो तुम? दिस इज डिस्गस्टिंग। ओह कम ऑन राज, शब्दों के पीछे रेफ्यू देना बंद करो। सच को एक ना एक दिन सामने आना ही था। हाँ, देख रहा हूं मैं, मेरे सामने है। तो तुम्हें क्या लगता कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, और अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। तुम महज एक प्रिजनर हो अपनी घटिया सोच और इमेजिनेशन के, एक ऐसे कैदी जिसका रीसेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बस बस मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना।
आयशा, कहाँ जा रही हो? बाहर। क्यों? इतनी लेट जाओगी तो वापस कब आओगी? जब चाहे आ जाऊं, आपसे मतलब? आयशा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जब तक तुम वापस नहीं आओगी मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। ओह रियली? तो मामा आप तब क्या करेंगी जब आप हम सबको छोड़कर चली जाएंगी? कैसे जिएंगी अपनी जिंदगी? डोंट गिव मी ऑल दैट क्रैप मामा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको हम सबकी कितनी चिंता है। आयशा, मैं जहां भी रहूंगी जैसे भी रहूंगी हमारे बीच का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र होगी चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और मेरे और तुम्हारे पापा के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हो, मैं हमेशा तुम्हारी माँ ही रहूंगी। अगर आपको वाकई हमारी चिंता है तो आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाती, क्योंकि सचमुच की माए वो सब नहीं करती जो आप आज तक करती आई हैं। इसलिए आप अपनी कंसर्न है ना अपने पास ही रखिएगा और मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप आयशा की बात का बुरा मत मानिए, पागल है, उसे खुद पता नहीं वो क्या बोल रही थी, वो वैसे बहुत गुस्से में भी थी ना। मम्मा, मम्मा, आयशा आपसे बहुत प्यार करती है, मैं मानता हूँ उसके कहने का तरीका गलत था, लेकिन वो अंदर से खुद भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, उसे भी पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मम्मा, आपके चले जाने का गम मम्मा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आप उसे नाराज मत होइए प्लीज। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं, नाराजगी तो मुझे मेरी किस्मत से भी नहीं है, मैं बस अंदर से बहुत टूट गई हूं, इतना कि रिएक्ट करने की ताकत तक नहीं है मुझे। अभी मैंने तय किया है, मैं अब यहां नहीं रुकूंगी। अब तक मैं सिर्फ आयशा के लिए रुकी रही, लेकिन उसे भी मेरी जरूरत नहीं है, क्या करूंगी यहां रुककर? मैं जल्द से जल्द यहां से जाना चाहती हूं। मम्मा,